हेलो सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का सोल्यूशन कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। इंटीग्रेशन का आपको पूरा बेसिक आपको बताया था अगले वाले वीडियो में। तो यार इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, आपको मैं पूरे विस्तारित रूप से बताऊंगा कि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो, और मैं पूरे सूत्र के साथ आपको समझाऊंगा और कौन कहां से यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार प्लीज इस वीडियो का लास्ट तो जरूर देखना, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी ऐसा नया वीडियो डालूं उसका नोटिस आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन का सोल्यूशन कैसे किया जाता है। देखिए यहां पर यह हो गया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया। और सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता दूं कि एक नंबर में आपका सूत्र क्या रहेगा, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। इसका आपका सूत्र आपको याद रखना होगा, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये सी हर फार्मूला में या फिर जितने भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे अपर और लोअर वैल्यू का मान अगर नहीं दिया होगा तो हर क्वेश्चन में हमको सी लगाना होगा। सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी हमको लगाना ही पड़ेगा। दो नंबर में है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तीन नंबर में देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया। तीन चार नंबर में यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। पाँच नंबर में है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी हो गया। और छठा नंबर में है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। सात नंबर में यहाँ पर देखिए क्या है, सात नंबर में है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसी पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ये आपको हो गया, ये आपको इंटीग्रेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया होगा कि आप हमको डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हमको सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबको छटका देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फोर इंटू डी एक्स। ये हम पूरा मतलब तोड़ दिए इसको। अब हम इंटीग्रेशन ये देखिए ये किसके सूत्र पर जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक नंबर जो सूत्र है एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन प्लस वन और जो जोड़ा गया है वो बाटा में आ गया है, तो यहाँ पर वही हम लिखेंगे एक्स इंटू टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ पर भी पावर एक छुपा हुआ है, तो एक्स के पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस, अब यहाँ पर चूंकि फोर है और कोई भी कॉन्स्टेंट मान दिया होगा और उसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो आपको फोर एक्स बताना होगा। जैसे फोर है तो फोर एक्स हो गया, फाइव है तो फाइव एक्स हो गया, और थ्री है तो थ्री एक्स हो गया। अगर वही डिफ्रेंशिएशन में होता है कि फोर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो वो कॉन्स्टेंट मान होता है उसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन उसका होगा चार एक्स होगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा चार एक्स और प्लस सी। हम लोग क्यों ना
यहाँ पर भी प्लस सी लिखे हैं, यहाँ पर भी प्लस सी और यहाँ पर भी प्लस सी, हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि चाहे कितना भी क्वेश्चन में सी रहे उसको एक ही माना जाता है, वो ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट एक ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पर एक ही लिखे हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो यहाँ पर एक्स पावर 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 4x प्लस सी, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और आपको एग्जांपल मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं दो नंबर में है इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट, तो आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब आपको अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो ये आपको नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और साथ ही मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना। और आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिलेंगे कि आपको मैं एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन बताऊँगा, तो अभी तक आज का